साथ हैवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एट बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in. टुडे 19 जुलाई 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8:18 हो रहे हैं. आज जैसे कि फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे. आने वाले वीक में कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू. यह एक पिक्चर है कल का, यानी 18 जुलाई 2019 आफ्टर मार्केट RSI पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक, उस वीडियो की लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी. ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. कल का प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,712 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,664. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट 11,651 ये यहाँ पर अचीव्ड हुआ और 2 times इसने यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया. और बाद में जैसे ये भी ब्रेक हुआ टूवर्ड साउथ की तरफ तो हमारा सेकेंड टारगेट 11,639 ये भी यहाँ पर अचीव्ड हुआ. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते ग्लोबल मार्केट की हालत क्विकली देख लेते. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक शुरू में प्रेशर में दिखाई दिया, लेकिन हालांकि लास्ट में पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए. यूरोपियन बाजार सभी लाल निशान में कल बंद हुए और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्के जापानीज मार्केट 350 पॉइंट की जबरदस्त बढ़त दिखा रहा है और हांगकांग मार्केट भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के साथ बढ़त ट्रेड कर रहा है और चाइना मार्केट 32 पॉइंट की यहाँ पर बढ़त दिखा रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो 125 पॉइंट की जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है और SGX निफ्टी भी पॉजिटिव नोट के साथ 38 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. तो अभी फिलहाल एशियाई बाजारों से पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं. चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस सबसे पहले करेंगे, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं. ये बैंक निफ्टी का स्पॉट इंडेक्स का चार्ट है, वीकली चार्ट है ये. यहाँ पर स्ट्रक्चर देखे तो अभी भी बुलिश बना हुआ है क्योंकि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है. लेकिन प्राइस एक्शन की बात करें तो अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है. डबल टॉप फॉर्मेशन एक बियरिश ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है. तो जब भी ऐसा पैटर्न आता है, यानी ये फर्स्ट टॉप है, बाद में ये सेकेंड टॉप, तो अभी इसका ये जो नेक लाइन बन रहा है इसका भी इसने ये यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया. लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो तुरंत यहाँ पर ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ये सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि अराउंड 30,000 के पास है. तो यहाँ से बैंक निफ्टी अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो एज पर वीकली चार्ट, और जब तक ये 30,000 को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर एक स्ट्रांग डाउनफॉल हमें नहीं दिखाई दे सकता. ये सपोर्ट का काम कर रहा है, स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है. अगर ये ब्रेक होता है तो ही ये जो डाउनफॉल है ये और भी एक्सटेंड हो सकता है टूवर्ड साउथ की तरफ. RSI को भी देखें तो यहाँ पर ये लोअर हाइज बना रहा है, यानी कि यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बुल्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर काफी कम है कंपेयर टू बेयर्स. ठीक है, तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो बैंक निफ्टी का. चलते हैं डेली चार्ट में. यह है डेली चार्ट बैंक निफ्टी इंडेक्स का. अभी ये जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेंड कर रहा है और ये जो ब्लू लाइन है 50 EMA का ये इन दोनों के रेंज में ट्रेड हो रहा है. तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रही है लास्ट 7-8 डेज से. तो यहाँ पर ये जो पास्ट में एक गैप क्रिएट हुआ था, यहाँ पर ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये यहाँ पर ये अभी तक फिल नहीं हुआ है बैंक निफ्टी इंडेक्स में. अगर निफ्टी इंडेक्स में देखे आप तो ये जो प्रीवियस गैप था पास्ट में बना था वो अभी फिल हो चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी तक ये फील नहीं हुआ है. तो गैप जब भी क्रिएट होता है तो वो फ्यूचर में जाके फील होता है.
तो अभी 30,200 के पास जब तक ये सपोर्ट का काम कर रहा है, लास्ट भी बाउंस बैक आया था यहाँ से, तो 30,200 अगर ब्रेक होता है तो ये गैप यहाँ पर फील हो सकती है। अभी ये आ रहा हूँ, गैप का इनिशियल पॉइंट है 29,550 के पास, तो ये अगर 30,200 को ब्रेक करता है तो यहाँ से नेक्स्ट सपोर्ट होगा 29,550 के पास, तो ये एक सपोर्ट लेवल है 30,200 के पास। और ऊपर ये जो आप देख रहे हैं पिंक लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बार, ये दूसरी बार और कल तीसरी बार इसने इस पिंक लाइन यानी 20 EMA का ये रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर, जो कि अराउंड अभी 30,768 यानी ऑलमोस्ट 30,800 के पास है। तो ऊपर 30,800 और नीचे 30,200 ये रिस्पेक्टिवली रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें आने वाले ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन यहाँ पर बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो ये है अभी फिलहाल डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो बैंक निफ्टी के लिए। चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में जैसे कि हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके चल रहे, तो इसका ब्रेकडाउन मिल गया है, लेकिन उसके तुरंत बाद जो ये 20 EMA का यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एज पर वीकली चार्ट 11,550 के पास, तो 11,550 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ये जो फॉल है ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जब तक ये 11,550 को ब्रेक ना करे, इसके नीचे कंफर्टेबली सस्टेन ना करे। मैग्नेटिक को देखें, काफी लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में जब भी निगेटिव क्रॉसओवर बनता है तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से डाउनफॉल ये एक्सटेंड हो, लेकिन 20 EMA का जब तक ये ब्रेक नहीं करता ये सपोर्ट, तब तक यहाँ से डाउनसाइड का कोई कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं मिल सकता। तो वीकली चार्ट के हिसाब से 10,550 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई अगर डिसीजिव मूव आता है पॉजिटिव मूव तो ही ये और एक्सटेंड कर सकता है अपनी रैली टूवर्ड्स नॉर्थ के लिए। तब तक अभी ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग में ये ट्रेड हो रहा है निफ्टी इंडेक्स। यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो निफ्टी के लिए। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में ये जो ग्रे लाइन है ये 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, ये अभी फिलहाल आ रहा है 11,550 के पास। हमने वीकली चार्ट में देखा 20 EMA भी 11,550 के पास आ रहा था, तो 11,550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ऊपर में जैसे कि 20 और 50 सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल के पास 11,700 के पास आ रहे हैं, तो ऊपर 11,700 और नीचे 11,550 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये कल हमने देखा कि ये स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद ये बेयरिश कैंडलस्टिक बना है, तो कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पर ये पैटर्न फॉर्म हो चुका है। तो अभी यहाँ से कल 100 पॉइंट्स का यहाँ पर डाउनसाइड मूव दिखाई दिया था, तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, थोड़ा रिकवर हो मार्केट, और फिर से ये जो ट्रेंड लाइन का जैसे अभी इसने पास में कई सारे दिन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था उसी की तरह फिर से एक बार इसको एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट करे और फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करे। अगर ऊपर ओवरनाइट पोजीशन बनाना है लॉन्ग तो 20 और 50 EMA के ऊपर इसको स्टे करने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए। एक डिसीजिव मूव अगर यहाँ पर ऐसा ग्रीन कैंडल कोई फॉर्म होता है इन दो एवरेजेस के ऊपर तो ही लॉन्ग निफ्टी में लॉन्ग जाने के लिए आप देख सकते हैं। तब तक यहाँ पर अभी निगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। तो यह है निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में क्विकली। आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है ये आइडेंटिफाई करेंगे। अभी यहाँ पर ये जो कल का लो बना है ये अगर ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स आज तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ पर बना सकते हैं, यानी 11,582 के पास अगर ये ब्रेक करता है इस लेवल को तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट ये पिवट पॉइंट का इस वन का लेवल होगा जो कि अराउंड 11,560 के पास है, और सेकंड टारगेट होगा 11,544, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो पिवट पॉइंट का फर्स्ट रेजिस्टेंस है
इसको यहाँ पर ब्रेक होने दीजिए, इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए, तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। यानी 11,618 के ऊपर सस्टेन होता है तो ही बाय पोजीशन बनाएंगे, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,634। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट में इसने कई टाइम यहाँ पर आर्ली चार्ट में रेजिस्टेंस फेस किया था, और पास्ट में यहाँ से ही ये फॉल आया था। तो ऊपर 11,634 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये दो मूविंग एवरेज अभी आर्ली चार्ट में फिलहाल 11,640 के पास आ रहे, तो काफी क्विकली सेकेंड टारगेट होगा हमारा 11,642, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।